बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसे स्टडी कर रहे हैं, क्लास इंटर, और यूनिट हमारे पास 16 है और इस चैप्टर का नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को समझने से पहले हमें थर्मोडायनामिक्स की कुछ टर्मों का समझना बहुत ज़रूरी है, जो आपको इस चैप्टर में भी, अगले चैप्टर में भी काम आएंगे आपके पास। यहाँ एक सवाल बनाया है, डिफाइन कीजिए द थर्मोडायनामिक्स एंड देयर एप्लीकेशन। कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रही हैं चीज़ें थर्मोडायनामिक्स की, उसको देखें। फर्स्ट लॉ की बात नहीं कर रहे हैं, सिंपल थर्मोडायनामिक्स की बात कर रहे हैं। थर्मोडायनामिक्स होता है क्या? तो कहता है इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स की एक ब्रांच है, ठीक है, अंडरस्टूड हो गया, ब्रांच तो फिजिक्स की है। करना क्या है इसमें? तो कहता है विच डील विथ हीट, वर्क एंड टेम्परेचर। तो इसमें हम डील करते हैं, हीट को स्टडी कर रहे होते हैं, वर्क को स्टडी कर रहे होते हैं, टेम्परेचर को, टेम्परेचर वर्क का क्या ताल्लुक है, टेम्परेचर हीट का क्या ताल्लुक है, और इनका ताल्लुक आपस से मिलकर, इनका ताल्लुक रिलेट विद एंड देयर रिलेशन टू द एनर्जी, और इनका ताल्लुक जो है एनर्जी के साथ किस तरह से, ये अब बहुत स्टडी होगा आपका। और एक न्यू चीज़ आपके पास आ रही है, एंट्रोपी। एंट्रोपी को समझाने के लिए सिर्फ इतना समझाऊंगा आपको कि देखें, कोई भी चीज़ ऑर्डर में है तो एंट्रोपी उसकी अलग है, और कोई चीज़ ऑर्डर में नहीं है तो उसकी एंट्रोपी कुछ और होगी। एक चीज़ तो ये समझ लीजिए, ठीक है। सेकेंड चीज़ ये है कि जैसे कि टाइम है, टाइम को आप वापस रिवर्स कर सकते हैं? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ एंट्रोपी की टर्म्स क्या बनेंगे आपके पास? या ये कह लीजिए कोई चीज़ ब्रेक हो गई, पहले सही थी लेकिन फिर ब्रेक हो गई, ब्रेक होने के बाद वो बिखर गई, अब एंट्रोपी क्या होगी? या ये कह रहे हैं कोई चीज़ ब्रेक हो गई, टूट गया कोई गिलास या कप, वापस क्या वापस जुड़ जाएगा, वहाँ एंट्रोपी क्या कहलाएगा आपके पास? तो वो सब तमाम चीज़ें यानी कि रिवर्स हो सकती हैं या रिवर्स नहीं हो सकती हैं, वो आती हैं आपकी एंट्रोपी की टर्म में, ठीक है जी। तो अब ये हो गई एंट्रोपी की बात। तो एंट्रोपी में मैंने आपको ये कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ब्रेक हो जाएंगी, टूट जाएंगी, बिखर जाएंगी, लेकिन वापस नहीं आ सकती, तो क्या होता है उनमें एंट्रोपी बढ़ जाती है। तो एंट्रोपी को फिलहाल ये समझ लीजिए, जो इररिवर्सेबल चीज़ें होती हैं या वो स्टेट जो इररिवर्सेबल होती हैं उनमें एंट्रोपी बहुत ज़्यादा होती है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके अंदर उनकी एंट्रोपी कम होती है, कम होती है तो वो वापस रिटर्न हो जाती हैं। जाहिर बात है ये बहुत सारे प्रोसेस हमारे पास हैं, पानी को मिलाया हमने किसके अंदर, पानी के अंदर हमने मिलाया नमक मिलाया, बाद में उसको हीट अप कर लिया, तो जाते पानी जो ऊपर वेपरेट हो रहा था उसको ग्लास ट्यूब के जरिए हम कंडेंस करके अलग कर लें, और जो आपने नमक मिलाया था वो आपको वापस मिल जाए, रिटर्न हो जाए आप वापस अपनी जगह पर, तो वहाँ पर एंट्रोपी क्या होगी? कम होगी। तो एंट्रोपी डिस्टर्बेंस होगी, रिटर्न ना हो सकें, चीज़ें बिखर जाएं, ब्रेक हो जाएं, तो एंट्रोपी बहुत ज़्यादा हो जाएगी वापस। इस टाइम में उसकी एंट्रोपी बहुत ज़्यादा है, हैवी वैल्यू है, इसलिए टाइम जाने के बाद वापस नहीं आता, तो टाइम की जो एंट्रोपी चेक की जाएगी तो बहुत ज़्यादा बड़ी मिलेगी हमारे पास, कि वो रिटर्न नहीं हो सकता। एक सिंपल सी चीज़ है, लकड़ी जल गई, कोयला बन गई, लेकिन कोयले से वापस लकड़ी बनाएंगे आप? नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं है आपके पास। नतीजा क्या होता है कि वहाँ एंट्रोपी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, कि चीज़ रिटर्न नहीं हो पाती उसकी इनिशियल स्टेट के ऊपर, जहाँ से चला था वहाँ नहीं पहुँच पा रहा होता, तो उनकी एंट्रोपी बहुत ज़्यादा होती है, और जिसमें रिटर्न हो जाए उनकी एंट्रोपी कम होती है। हमारे पास बहुत सारे सिस्टम आ जाएंगे, ये एंट्रोपी का ताल्लुक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इस्तेमाल होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंदर भी इस्तेमाल करेंगे कहीं पर हम, सेकेंड लॉ में भी, और आगे भी जाके इस्तेमाल होता रहेगा। तो ये थोड़ा सा इसको हम दोबारा से समझेंगे अच्छी तरह से जब टॉपिक आएगा हमारे पास, लेकिन यहाँ मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया एंट्रोपी। आप याद रख लीजिए कि ज़्यादा जिसकी होगी वो इतना ही वापस नहीं आ सकेगा। एक सिंपल सी मिसाल है हमारे पास, अगर हम मिलाना चाहें, क्या कहते हैं, एक पाउडर है, इस पाउडर के अंदर दूसरा पाउडर मिक्स कर लें, फिर बोलें जैसे चीनी है और एक नमक है, दोनों को मिक्स कर लें हम, दोनों ही वाइट हैं, दोनों को पीस लिया, पीसने के बाद उनको मिक्स कर आपस में क्या कर लिया, मिला लिया। अब उसको हम बोलेंगे जी नमक को अलग कर लो, चीनी को अलग कर लो, इस वक्त फिजिकल स्टेट के अंदर मुश्किल हो जाएगा, हमारी एंट्रोपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी उसकी, तो रिटर्न नहीं हो रही होती चीज़ें। ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, लेकिन जैसे आएगा टॉपिक मैं इसको अच्छी तरह आपको डिफाइन करूंगा विद पिक्चर्स, ताकि आपको याद रहें जिंदगी भर। तो थर्मोडायनामिक्स स्टडी कर रहे थे हम, तो थर्मोडायनामिक्स के अंदर हम स्टडी करेंगे हीट, वर्क, टेम्परेचर का रिलेशन किसके साथ, एनर्जी के साथ और एंट्रोपी के साथ, साथ साथ फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैटर जाहिर बात है हम गैसेस स्टेट के अंदर किस तरह से बिहेव कर रहा होता है थर्मोडायनामिक्स, लिक्विड में किस तरह से होगा थर्मोडायनामिक, और सॉलिड में क्या होगा, क्या प्रोसेस होगा उसका, हीट का, इनका टेम्परेचर, क्या रिलेशन बनेंगे, और रेडिएशन, रेडिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पास यहाँ पर। जब हीट की बात आएगी तो वहाँ रेडिएशन भी होगी हमारे पास, तो इन तमाम चीज़ों के यानी कि वर्क, एनर्जी, टेम्परेचर और का रिलेशन किसके साथ, एनर्जी के साथ, एंट्रोपी के साथ, और मैटर की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी के साथ, और रेडिएशन के साथ
क्या हीट रेडिएशंस दी, तो हीट ने किस तरह, हीट किस तरह से फ्लो होके काम करवाया, और जो मटेरियल था उसका टेम्परेचर क्या था हमारे पास, उसकी कितनी एनर्जी थी, कितना वो डिस्टर्ब हुआ, एंट्रोपी उसकी क्या हुई, यानी कि वो वापस रिटर्न टू इट्स स्टेट हो सका नहीं हो सका, या चला ही गया, इरिवर्सिबल हो गया। जो इरिवर्सिबल होते हैं वो एंट्रोपी बहुत हाई हो जाती है। तो रेडिएशन हो, मैटर हो, या एंट्रोपी हो, या आप एनर्जी में बात कर लें, इनके रिलेशन चेक करेंगे हीट वर्क और टेम्परेचर के साथ। ये हमारा फोकस रहेगा फर्स्ट लॉ के अंदर भी, थर्ड सेकेंड लॉ में भी यही फोकस रहेगा हमारे पास, ठीक है। थर्ड लॉ भी इसका जीरो जीरो लॉ भी होता है हमारे पास का, वो भी है। फिलहाल अभी फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ दो चैप्टर दे रखा है यहाँ पे। ये तो हो गई एक टेक्निकल, एक सी एक डेफिनेशन। ये पुरानी डेफिनेशन मैंने लिख दी थर्मोडायनेमिक्स की, डेट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्राम वन प्लेस टू अनदर प्लेस और फ्राम वन फार्म टू अनदर फार्म, एक जगह से दूसरी जगह, ये एक फार्म से दूसरी फार्म ट्रांसफर हो जाए एनर्जी, उसको थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। ये पुरानी डेफिनेशन है, आप नाइन्थ में मैट्रिक में फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हीट वर्क टेम्परेचर कैलकुलेशन किसके साथ, फर्स्ट एनर्जी एंट्रोपी फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर एंड रेडिएशन, चार चीज़ों को स्टडी करेंगे अब हम, ठीक है। एप्लीकेशंस क्या हैं इसकी, और सब समझ में आ गया होगा, याद हो गया होगा आपको। अब यहाँ पे एक दिखाया थर्मल पावर प्लांट दिखाया है, वहाँ पास यहाँ पे कोल पावर प्लांट दिखा रखा है। अब कोयला उसको बर्न किया, बर्न करने के बाद हीट एनर्जी बनी, हीट एनर्जी बनी तो उससे हमने स्टीम भी बनाई, उसी से हमने क्या किया टर्बाइंस भी मूव करा लेते हैं उसके अंदर, उसकी हीट से हम जनरेट करा लेते हैं क्या कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशन हैं। अब यहाँ पे देखिए उसमें यहाँ पे हीट भी है, मटेरियल भी आया, हीट भी आया, ये टेम्परेचर भी आया और इलेक्ट्रिक एनर्जी भी आ गई। यहाँ पे भी देख लीजिए फ्यूल है, बर्न हुआ, थ्रस्ट बना, रॉकेट मूव कर गया, मिसाइल था मूव कर गया, थ्रस्ट लेके ऊपर मूव करा दिया उसको, तो हीट एनर्जी भी आ गई, वर्क भी आ गया, वहाँ भी वर्क आया, यहाँ भी वर्क आया हमारे पास, टेम्परेचर भी आया, एनर्जी भी आया, ठीक है। ये तमाम रिलेशनों को स्टडी करते हैं इसके अंदर। प्लेन है जो उड़ता है, ज़ाहिर बात है वो भी थ्रस्ट बनाता है, अप जाता है विंग्स की मदद से, फर्स्ट ईयर के चैप्टरों में हमने बहुत डिफाइन किया है इसको। तो ये फ्यूल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी, सारे वर्क हो रहे होते हैं इनके अंदर। अब यहाँ दिखाया है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिखाई हम दी हमने, उसने क्या आपका कोल्डनेस पैदा कर दी, रेफ्रिजरेटर कर दिया, यानी कि कोल्डनेस भी जो हॉटनेस या कोल्डनेस ये सब चीज़ें हीट में ही आती हैं, ठीक है। और हीट का ताल्लुक थर्मोडायनेमिक्स से आता है हमारे पास, यहाँ वर्क भी कर रहा है। यहाँ पे हमने दिखाया सोलर एनर्जी के जरिए हमने वाटर को कोल्ड वाटर को हॉट कर लिया, हमने यहाँ पे ठंडा कर लिया उसको, ठीक है। यहाँ पे सेल दिखाया, एक बैटरी दिखाई है हमने, यहाँ पे केमिकल एनर्जी उसके अंदर, उससे इलेक्ट्रिक एनर्जी ले रहे हैं उसके अंदर हम, यहाँ पे रेडिएशन दिखा रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी रेडिएट कर रही है और एक आउटपुट ले रहे हैं यहाँ पे। तमाम चीज़ों के अंदर थर्मोडायनेमिक्स का बहुत यूज है, डेली लाइफ में तो बहुत ज़्यादा आता है आपके, ठीक है जी। तो हीट हो गई, वर्क हो गया, टेम्परेचर हो गया, साथ में उसका रिलेशन एनर्जी के साथ, वर्क के साथ हमने चेक किया। अब एक सवाल बनाया हमने यहाँ पे, ये जो बात कर रहे हैं हम हीट की, वर्क की, टेम्परेचर की, तो हम दो को कंपेयर कर लिया कि पहले हम बाइफ्रकेट कर लें कि जी हीट किसको कहेंगे और टेम्परेचर हम किसको कहेंगे, ठीक है। थोड़ा सा बाइफ्रकेशन बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। तो हीट के लिए मैंने चार पॉइंट रखे हैं, टेम्परेचर के लिए भी मैंने यहाँ पे चार पॉइंट रखे हैं। हीट आप जानते हैं, हीट इज़ द ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी, हम जानते हैं थर्मल एनर्जी जो ट्रांसफर होती है वो हीट की फॉर्म में होती है। तो ये भी कह सकते हैं कि हीट इज़ द थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ हीट, ये भी जुमला बना सकते हैं आप इसको। मैंने ये लिखा कि हीट इज़ द ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी, दोनों में से जो समझ में आया आप वो भी लिख लीजिए, बिटवीन टू मटेरियल्स, दो मटेरियल के दरमियान में जो थर्मल एनर्जी ट्रांसफर होती है, दो मटेरियल के दरमियान में जो थर्मल एनर्जी ट्रांसफर होती है वो हीट की फॉर्म में होती है, थर्मल एनर्जी ट्रांसफर। यानी थर्मल एनर्जी का ताल्लुक आता है हीट से, थर्मल एनर्जी का ताल्लुक आता है टेम्परेचर से। चीज थर्मल एनर्जी है उसका टेम्परेचर भी होगा, और जब वो ट्रांसफर होगी तो वो हीट की फॉर्म में होगी, ठीक है। अभी फिलहाल पहले हीट को देखते हैं, फिर टेम्परेचर को भी थोड़ा सा देखते हैं। तो हीट इज द फॉर्म ऑफ, ठीक है, हीट इज द फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी, हीट जो है फॉर्म है किसकी, थर्मल एनर्जी की फॉर्म है, बिटवीन हमारे पास टू मटेरियल ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ मटेरियल। अब ज़्यादा बात है, हम जानते हैं हीट फ्लो होती है फ्राम हॉटनेस से कोल्डनेस की तरफ, ठीक है। तो थर्मल एनर्जी एक्चुअली ट्रांसफर हो रही होती है हीट की फॉर्म में। टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी की जो मेजरमेंट है उसको हम टेम्परेचर कहते हैं।
अगर थर्मल एनर्जी में थोड़ा और अंदर जाएंगे तो हम देखेंगे वो मालिक्यूलों की जो काइनेटिक एनर्जी है वो थर्मल एनर्जी कहती है, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी की मैनेजमेंट को आप टेम्परेचर कहते हैं। तो इन डायरेक्टली मैंने इसको बोल दिया कि जी थर्मल एनर्जी जो है उसकी मेजरमेंट जो है उसको टेम्परेचर कहते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल की जो होता है उसको भी टेम्परेचर कहा जाता है, और यहाँ थर्मल कहा मैंने आपको। तो ज्यादातर थर्मल एनर्जी के अंदर इंटरनल एनर्जी होता है, और इंटरनल एनर्जी जो होता है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी की फरमाइश करेंगे तो इंटरनल एनर्जी की फरमाइश हो जाएगी, इंटरनल फरमाइश हो जाएगी तो किसकी हो जाएगी, थर्मल एनर्जी की फरमाइश हो जाएगी। तो थर्मल एनर्जी की जो मेजरमेंट है वो टेम्परेचर है, इट इज डेट इज प्रेजेंट इन अ मटेरियल। किसी मटेरियल के अंदर जो भी थर्मल एनर्जी है, कोई भी मटेरियल है उसके अंदर जो भी थर्मल एनर्जी है उसकी मेजरमेंट को हम टेम्परेचर कहेंगे। ठीक है, जो भी थर्मल किसी भी मटेरियल की जो थर्मल एनर्जी है उसको जब ट्रांसफर करेंगे एक जगह से दूसरी जगह तो वो हीट है, वो हीट की फॉर्म में जाएगी। यानी थर्मल एनर्जी, दोनों का ताल्लुक थर्मल एनर्जी से ही है। थर्मल एनर्जी की जो मेजरमेंट है वो टेम्परेचर है, और थर्मल एनर्जी को जो ट्रांसफर करते हैं किसी और फॉर्म में तो वो हीट की फॉर्म में ट्रांसफर होती है दूसरी जगह। हीट इज डिपेंड्स ऑन मास, हीट जो है डिपेंड करती है मास पे, मटेरियल के मास पे, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ मटेरियल एंड चेंज इन टेम्परेचर, और टेम्परेचर का जो डिफरेंस है डेल्टा टी, हीट इस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर इस पर डिपेंड नहीं करता। टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ द मटेरियल, मटेरियल के अमाउंट पे टेम्परेचर कोई डिपेंड नहीं करता, कोई रिलेशन नहीं है इसके साथ। ठीक है, उसका यूनिट वो एनर्जी को ट्रांसफर करती है, हीट क्या करती है एनर्जी को ट्रांसफर करती है, तो उसका यूनिट क्या हो गया, जाउल हो गया। ये मेजरमेंट है उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी की। ये क्या टेम्परेचर का यूनिट क्या सेंटीग्रेड है, फॉरेनहाइट है, केल्विन है। डायरेक्शन ऑफ हीट कैन बी फाउंड बाय द डिफरेंस ऑफ टू ऑब्जेक्ट टेम्परेचर, दो ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर से हम अंदाजा लगाते हैं कि हीट किस तरफ से किस तरफ जा रही है। इट इज अ वेक्टर फ्लक्स क्वांटिटी कहलाता है हमारे पास ये। तो ये वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास है, एक तरीके से कह सकते हैं इसको, लेकिन इसको तो नहीं कह सकते, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती इसकी, इसको सिर्फ इसी टर्म में कह सकते हैं आप इसको। तो याद रख ली थर्मल एनर्जी के अंदर को दो चीजों से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थर्मल एनर्जी की जो मेजरमेंट है वो टेम्परेचर से होती है, और थर्मल एनर्जी को जो ट्रांसफर करते हैं किसी वर्क के अंदर तो थर्मल एनर्जी किसी मटेरियल में से निकल के जा रही होती है तो वो हीट की फॉर्म में जा रही होती है। ठीक है जी, ये हो गया डिफरेंस, आपको अंदाजा रहेगा। टेम्परेचर आप जब बात करेंगे तो मटेरियल की मेजरमेंट है, थर्मल मटेरियल मीन्स टेम्परेचर के किसी भी मटेरियल के, या ये सिंपल कहते हैं थर्मल एनर्जी की जो मेजरमेंट है किसी भी मटेरियल की उसको हम बोलेंगे टेम्परेचर, और थर्मल एनर्जी जो मूव होगी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में वो होगी हीट की फॉर्म में। ठीक है भाई, अब यहां सवाल बनाया, डिफाइन करें थर्मल एनर्जी है क्या, जो कह रहे हैं हीट फ्लो कैसे होती है और काम वर्क कैसे होता है, वर्क क्या है। आल्सो कन्वर्जन कीजिए फ्रॉम थर्मल एनर्जी टू द वर्क, मैंने दोनों बनाए थर्मल से वर्क की तरफ और वर्क से थर्मल की तरफ, सवाल लिखना भूल गया आप ऐड कर लीजिएगा इसको। थर्मल एनर्जी क्या है, पहले सवाल ये है, तो हमने ये बताया कि वो थर्मल एनर्जी क्या है, वो इंटरनल एनर्जी होती है हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट की, और इंटरनल एनर्जी का ताल्लुक किससे होता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी से। ठीक है, तो थर्मल एनर्जी इज द एनर्जी, थर्मल एनर्जी क्या है, एनर्जी तो है लेकिन कैसे, डेट कम्स फ्रॉम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलों की काइनेटिक एनर्जी से जो एनर्जी हासिल होती है उसको कहते हैं थर्मल एनर्जी। लेकिन कब, व्हेन मॉलिक्यूल्स आर इन मोशन, जब मॉलिक्यूल मोशन में होते हैं तो उनकी मॉलिक्यूलों की जो काइनेटिक एनर्जी होती है उससे जो एनर्जी हासिल होती है उसको थर्मल एनर्जी कहते हैं। मॉलिक्यूलों की काइनेटिक एनर्जी से जो एनर्जी हासिल होती है उसे कहते हैं थर्मल एनर्जी। फास्टर द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल जनरेट मोर थर्मल एनर्जी, जितना मॉलिक्यूल जितना तेज मूव करेगा इतनी ही ज्यादा उसकी जनरेट करेगा वो थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी इज एसोसिएटेड विद इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इसका ताल्लुक इससे है थर्मल एनर्जी का, वो इंटरनल एनर्जी के साथ है सिस्टम की। आप ये हॉट वाटर दिखाया तो मॉलिक्यूल देखें, वही मॉलिक्यूल है, और करें 1 2 3 4, ठीक है 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 आ गए, ठीक है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 14 मॉलिक्यूल यहाँ दिखा रहा हूँ, 14 यहाँ दिखा रहा हूँ। जब हॉट हैं तो देखें करीब करीब नहीं है, दूर दूर है, और एनर्जी नज़र आ रही है आपको लेवल इसके अंदर सर्कुलर। और जहाँ कोल्ड हो गए वही 14 मॉलिक्यूल तो करीब करीब भी आ गए, और एनर्जी लेवल भी कम नज़र आ रहा है। तो जितना ज़्यादा हॉट होगा इतनी ही ज़्यादा मॉलिक्यूल तेज तेज मूव करेंगे, जितने मॉलिक्यूल ज़्यादा तेज वेलोसिटी से मूव करेंगे इतनी ही ज़्यादा उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी, जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी इतना ही ज़्यादा थर्मल एनर्जी होगी। ठीक है, जितना मॉलिक्यूल हमारे पास कम स्पीड से मूव कर रहे होंगे इतनी ही कम उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, लास्ट चैप्टर पढ़ा है उसमें भी देख लीजिए। वेलोसिटी कम होगी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी उसकी थर्मल एनर्जी भी कम होगी। तो एनर्जी हमेशा कहाँ से मूव होती है, हाई टेम्प हाई लेवल से लोअर लेवल तक, यहाँ दिखाया हॉट लेवल से फ्लो हुई कोल्ड लेवल तक, और किस फॉर्म में जाती है, वो हीट की फॉर्म में फ्लो होती है। हीट क्या है, वो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर। तो एनर्जी ये थर्मल एनर्जी है, ये भी थर्मल एनर्जी है, दोनों में ही थर्मल एनर्जी है, लेकिन इसकी एनर्जी कम है उसकी एनर्जी। तो हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल की तरफ जो है थर्मल एनर्जी मूव होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट फ्लो, हीट के जरिए वो फ्लो होती है। ठीक है जी, ये हो गया थर्मल एनर्जी, बहुत क्लियर आसान तरीके से बता दिया मैंने आपको। हीट फ्लो क्या है, तो कहता है थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट, अभी भी ऊपर दिखाया है यहाँ पे किस फॉर्म में ट्रांसफर होता है, वो हीट की फॉर्म में ट्रांसफर होती है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी यहाँ पर भी, थर्मल एनर्जी यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ की कम है यहाँ की ज्यादा है। तो हाई एनर्जी से लो थर्मल एनर्जी के लेवल की तरफ, हाई से लो की तरफ फ्लो होता है, टीचर से ही स्टूडेंट को आ रहा होता है, सीखने को मिल रहा होता है। जब टीचरों का स्टूडेंट का लेवल हाई हो जाएगा तो फिर वो टीचर को ट्रांसफर करना शुरू करते हैं, बताना शुरू कर देते हैं। तो थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट, हमेशा क्या होता है थर्मल एनर्जी फ्रॉम, थर्मल एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में हमेशा होती है। तो एनर्जी यहाँ पर लिखा हीट फ्लो, तो हीट की फॉर्म में फ्लो होती है, थर्मल एनर्जी हमेशा हीट की फॉर्म में फ्लो होगी। व्हेन सिस्टम हैव डिफरेंस इन टेम्परेचर, दोनों में फर्क होगा टेम्परेचरों का, और कब तक फ्लो होगी, जब तक तो दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं जाए, जब बराबर जाएगा तो इक्विलिब्रियम स्टेट हो जाएगी। अभी इक्विलिब्रियम की कोई बात नहीं कर रहा लेकिन समझा दिया। व्हेन द सिस्टम हैव टू द डिफरेंस इन हैव डिफरेंस इन टेम्परेचर, तो दोनों टेम्परेचर में फर्क होगा तब हीट ट्रांसफर होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, इंटर एनर्जी ट्रांसफर होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर रीजन टू द लोअर टेम्परेचर रीजन, हाई टेम्परेचर रीजन से वो जाती है हमेशा लोअर की तरफ। रेट क्या होगा हीट ट्रांसफर का फ्रॉम हाई से लो की तरफ, तो वो ये होता है क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। क्यू क्या है, क्यू जो है वो हीट है जो जा रही है, एम क्या है मास ऑफ द मटेरियल है या सब्सटेंस है, सी क्या है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ऑफ द सब्सटेंस, सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को सी से जाहिर करते हैं। अब ये सी वाला जो टॉपिक है इस चैप्टर का आखिर होगा जिसमें हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को स्टडी करेंगे। ठीक है, वो सब देख लीजिएगा। डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, जो टेम्परेचर में फर्क था इतनी ही उसके हिसाब से वो एनर्जी वहां जाएगी, थर्मल एनर्जी वहां जाएगी। अब हम इक्वेशन यानी कि ये क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, इट इज कॉल्ड द हीट ट्रांसफर एनर्जी। कभी भी कहीं आपसे एमसीक्यू से पूछा जाए कि हीट ट्रांसफर एनर्जी क्या है, तो वो ये होगा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। हीट ट्रांसफर इज डिपेंड ऑन द मटेरियल प्रॉपर्टी, ये भी मटेरियल प्रॉपर्टी है, मास भी क्या है वो भी सब्सटेंस का है, सी भी क्या है वो भी सब्सटेंस का है, टी अलग चीज़ है चेंज इन टेम्परेचर है, लेकिन क्या ये दो तो लाजमी है, दोनों मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो कहता है कि हीट ट्रांसफर इज डिपेंड ऑन द मटेरियल प्रॉपर्टी, मटेरियल प्रॉपर्टी की डिपेंड करती है ऑफ अ सब्सटेंस कैन एक्सटेंड ऑफ द टेम्परेचर चेंज, जितना टेम्परेचर चेंज होगा उस हिसाब से, कम चेंज होगा तो वैल्यू थोड़ी कम आ रही होगी, तो दूसरी वैल्यू से रखूंगी इसकी। ठीक है जी, अब यहाँ मैंने कुछ दिखाया है यहाँ पे, आप यहाँ पे सिंपल देख सकते हैं, अगर ये आपने गौर से देखे हैं तो इस तरह के आपके को मिलता है, एसी में मिलता है, एयर कंडीशन यूनिट में मिलता है आपको। ठीक है, जिसमें इंडोर भी होता है आउटडोर भी होता है, वहाँ पे क्या होता है दोनों जगह फैन लगे हुए होते हैं, आउटडोर के अंदर वो हॉटनेस को बाहर निकाल रहा होता है, यहाँ पे हॉट गैस अंदर रन कर रही होती है, हॉट होता है यहाँ पे, और इंडोर में वो कोल्ड होता है तो ब्लो करके क्या ठंडी हवा फेंक रहा होता है आपको।
यहाँ पे भी एक दिखाया है, हीट ट्रांसफर मेथड है, फैन लगा दिया फैन उसको निकालता रहेगा, जैसे कि आपने छत पर जाकर देखें अपने आउटडोर के अंदर फैन लगा हुआ है और वो हीट को बाहर निकाल रहा है। यहाँ पे एक चीज़ दिखाया थर्मल कंडक्टिविटी दिखाई कि हीट हमेशा हॉट साइड से आ रही है किस तरफ, कोल्ड साइड की तरफ। जैसे खाना पक रहा होता है ना, चिमटा हाथ में होता है तो क्या होता है, आगे का जो हिस्सा होता है जो वो आग के अंदर होता है, फ्लेम में होता है, चिमटा जिस हाथ जहाँ हाथ से पकड़ा होता है वो गर्म हो रहा होता है, तो हीट कंडक्शन हो रही होती है। और यहाँ मैंने दिखाया तीन चीज़ें, एक तो रेडिएशन, जैसे कि हीट आ रही है रेडिएट होकर बाहर निकल रही है, और एक इसके मटेरियल के अंदर जो चल मटेरियल जो कप ये जो आपका बना रखा है जैसे पानी गर्म कर रहे हैं आप, इसके अंदर मटेरियल के अंदर जो हीट होगी वो कंडक्शन होगी, और वो जो लिक्विड है जो फैल रहा अंदर है वो कन्वेक्शन कर रहा होगा। जैसे अक्सर लोग देते हैं ना, क्या करते हैं चाय का एक कप ले लेते हैं, अब वो चाय के कप के अंदर जाहिर बात है वो चाय ज़्यादा गर्म होती है, जल्दी पीना होती है तो क्या करते हैं प्रेस में डाल देते हैं, नतीजा क्या होता है सारस में डाल देते हैं, नतीजा क्या होता है वो फैल जाता है, तो वो क्या होता है कन्वेंशन हो जाता है, कन्वेंशन तो उसमें क्या होता है चीज़ फैल जाती है, जितनी जल्दी फैलेगी इतनी जल्दी ठंडी हो जाएगी। तो हीट को ट्रांसफ़र करने के तरीके का आ रहे हैं ये इंडस्ट्री में दिखाते हैं, हमारे पास यहाँ पे ऑयल इंडस्ट्री में भी देखें, इंडस्ट्री इंडस्ट्री में देखें, यहाँ पे हीट को एक्सचेंज किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है आउटवर्ड जब उसको करना होता है। ठीक है, ये तो हो गया आपके पास, इसका हमने पढ़ा अभी आपका हीट फ्लो तक, अब रह गया सवाल का वर्क और फिर उसका कन्वर्जन। ठीक है जी, अब थोड़ा सा टॉपिक है बाकी आपका, अब वर्क पे चलते हैं। वर्क क्या है, वर्क इज द आउटकम ऑफ द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, जब एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है उसका जो आउटकम निकलता है उसे हम वर्क कहते हैं, इट मे बी पॉजिटिव। तो वर्क जो होता है वो पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है, इंसान की पर्सनैलिटी की बात नहीं कर रहा मैं, वर्क की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वर्क पॉजिटिव भी होता है, वर्क क्या होता है निगेटिव भी होता है। अब जब वर्क पॉजिटिव है तो उसमें क्या होता है कन्वर्जन हो रहा होता है कहाँ से, फ्रॉम थर्मल एनर्जी से वर्क की तरफ। तो जब भी कन्वर्जन होगा थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी मीन्स इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, उससे क्या होगा काम होगा, काम होगा तो ये पिस्टन ऊपर जाएगा, पिस्टन जो लगा हुआ ये ऊपर जाएगा बाहर की तरफ निकलेगा इन, और इसी को पॉजिटिव वर्क कहा जाता है। इन टर्म ऑफ पॉजिटिव वर्क, कभी भी आपको एमसीक्यूज दिया जाए जी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है थर्मल एनर्जी से टू वर्क, इट इज पॉजिटिव और निगेटिव, और फ्रॉम वर्क टू थर्मल एनर्जी, कोई भी सवाल बना सकते हैं आपको, तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए आपको। इन टर्म ऑफ पॉजिटिव वर्क, तो इसमें पॉजिटिव वर्क होता है सिस्टम वर्क टू वर्ड्स द सराउंडिंग, सिस्टम से पिस्टन कहाँ जाता है बाहर की तरफ जाता है, अंदर नहीं आता कि गैस को दबा दे वो बाहर की तरफ निकल रहा होता है। तो सिस्टम जो है वर्क करता है आउटवर्ड, बाहर की तरफ काम कर रहा होता है, सराउंडिंग की तरफ काम कर रहा होता है, फैल रहा होता है, इट इज कॉल्ड एज वर्क इज डन बाय द सिस्टम, इसको इस तरह कहा जाता है कि काम हुआ है लेकिन कैसे बाय द सिस्टम, वर्ड आएगा बाय, जब भी बाय द सिस्टम बाय का वर्ड आएगा इसका मतलब वो आउटवर्ड वर्क हो रहा है, सराउंडिंग की तरफ चीज जा रही है, चीज एक्सपेंड हो रही है, अंदर कंप्रेस नहीं हो रही, वो कंप्रेस नहीं हो रही, वो एक्सटेंड हो रहा है सिस्टम, सिस्टम बढ़ रहा है बाहर की तरफ, तो बाय वर्ड इस्तेमाल होगा। सपोज अ कंटेनर विथ मूवेबल पिस्टन, फर्स्ट क्या ये एक मूवेबल पिस्टन है, ठीक है, अब ये नीचे होगा तो जैसे ही इसको इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो क्या करेगा ये मूवेबल पिस्टन ऊपर चले जाएगा तो वो बाहर की तरफ निकलेगा। सपोज अ कंटेनर विथ मूवेबल पिस्टन व्हेन इंटरनल एनर्जी ऑफ द फील्ड गैस इज इंक्रीज, जैसी अंदरूनी जो गैस है ठीक है उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है वो बढ़ जाए, अगर उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाए किस तरह से बढ़ेगी, या तो वो हीट लेगा बाहर से, ठीक है ना, उसकी बात नहीं कर रहे हम अभी, सिंपल बात कर रहे हैं, कह रहे हैं अगर किसी भी सिस्टम के अंदर इंटरनल एनर्जी जो भरी हुई गैस की इंटरनल एनर्जी अगर वो बढ़ जाए, गैस नहीं बढ़ जाए इंटरनल एनर्जी बढ़ जाए, व्हेन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द फील्ड गैस इज इंक्रीज, गैस इंक्रीज नहीं हो रही है इंटरनल एनर्जी इसकी इंक्रीज हो रही है, तो अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ जाए उस गैस की ड्यू टू विच द मूवेबल पिस्टन मूव आउटवर्ड, जो मूवेबल पिस्टन था जो नीचे भी आ सकता ऊपर आ सकता था, अगर एनर्जी बढ़ेगी तो नीचे नहीं आएगा वो पिस्टन ऊपर जाना शुरू कर देगा, तो जब ऊपर जाएगा तो सराउंडिंग की तरफ जा रहा होगा, आउटवर्ड जाएगा तो सराउंडिंग के लाएगा एंड इंक्रीज द वॉल्यूम, और जब भी आउटवर्ड जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, मीन्स तो पहले वॉल्यूम जो था अब वॉल्यूम कुछ और हो गया तो ये कहलाएगा चेंज इन वॉल्यूम कहलाता है हमारे पास। सो वर्क इज डन बाय द सिस्टम, लफ्ज क्या आएगा जब भी बाय द सिस्टम आएगा इसका मतलब ये कि वॉल्यूम बढ़ गया और सिस्टम ने बाहर की तरफ काम किया सराउंडिंग की तरफ, तो वर्क जो होता है बराबर होता है प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। फर्स्ट हम रिलेशन पढ़ चुके हैं, बुक ने नहीं दिया तो हमने भी डायरेक्टली इस्तेमाल किया है, यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा।
अब सेकंड पार्ट जो बुक में नहीं था वो मैंने कर लिया यहाँ पे, कि वर्क कन्वर्जन होगा कहाँ से, वर्क से थर्मल एनर्जी, यानी कि कन्वर्जन कर रहे हैं, वर्क पॉजिटिव में चाहिए था लेकिन वर्क क्या हो गया, ऑन द सिस्टम हो गया, थर्मल एनर्जी के ऊपर ही काम हो गया, काम तो हुआ, पिस्टन नीचे आ गया, पिस्टन ऊपर जाता तब भी काम है, अंदर आ गया तब भी वो काम है, लेकिन ये ऑन द सिस्टम हो गया, ये निगेटिव कहलाता है। तो द टर्म ऑफ निगेटिव वर्क, इन द टर्म ऑफ निगेटिव वर्क, निगेटिव वर्क की टर्म में क्या होता है, सिस्टम वर्क इनवर्ट टू इट सेल्फ, अंदर की तरफ काम करता है, यानी कि इनवर्ट टू द सिस्टम भी कह सकते हैं, ऑन द सिस्टम भी कह सकते हैं, इट इज कॉल्ड और एज वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। मैंने क्या वर्ड इस्तेमाल किया, ऑन, वहां इस्तेमाल किया था बाय, यहाँ पे क्या, ऑन द सिस्टम। सपोज अ कंटेनर विथ मूवेबल पिस्टन, वो भी मूवेबल पिस्टन था, ये भी मूवेबल पिस्टन है। व्हेन लोड और एक्सटर्नल फोर्स, ऊपर से लोड बढ़ा दिया, एक्सटर्नल फोर्स बढ़ा दी, इज अप्लाइड ऑन द मूवेबल पिस्टन, ऊपर से लोड बढ़ा दिया, फर्स्ट के पहले 1 kg तब 2 kg कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, जैसे ही इसका लोड बढ़ा, नतीजा क्या हुआ उसका, ड्यू टू विच इंटर एनर्जी ऑफ द गैस फील्ड इंक्रीज, जो इंटर एनर्जी अंदर की वो बढ़ गई, उसमें वो बाहर जाके एनर्जी कम हो जाएगी लेकिन यहाँ पे बढ़ जाएगी दबने की वजह से, यहाँ कंप्रेस हुआ वहाँ एक्सपेंड हुआ, ऑफ द फील्ड गैस इंक्रीज, तो इंटर एनर्जी क्या हुआ, फील्ड गैस की बढ़ गई, इंटर एनर्जी बढ़ गई, बट डिक्रीज द वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम अब पहले ज्यादा था अब कम हो गया, तो जब भी बढ़ेगा या कम होगा चेंज इन वॉल्यूम कहलाता है हमारे पास। सो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, काम हुआ लेकिन कहाँ, सिस्टम के ऊपर हुआ, डेट इज कॉल्ड निगेटिव। मैंने क्या लगाया, माइनस साइन लगा दिया, वही पी डेल्टा वी हमारे पास है नीचे भी, लेकिन माइनस साइन है, तो ऑन द सिस्टम वर्क के अंदर निगेटिव होता है। लोग एक एग्जाम्पल बुक ने दिखाई है कि जब भी हैंड्स को आप रब करते हैं तो फ्रिक्शन पैदा होती है, फ्रिक्शन पैदा होती है तो हीट क्या होती है, सर्दी में अक्सर देखा होगा ना भाई, लोग जल्दी जल्दी हाथ को रब कर रहे होते हैं, फिर बाद में चेक करते हैं जी हाथ जो है गर्म हो गया, तो रबिंग जो है वो हैंड की वो कहलाती है हमारे पास, ऐसे जनरेट करती है हीट को। आज का लेक्चर यहीं तक ही रखते हैं इसके अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिफाइन करेंगे, होपफुल कि आपको समझ में आया होगा हीट क्या है, ठीक है जी, हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है हमारे पास, टेम्परेचर थर्मल एनर्जी, रिकॉल करा रहा हूँ, थर्मल एनर्जी जो है उसकी मेजरमेंट को हम टेम्परेचर कहेंगे, हीट क्या है, थर्मल एनर्जी को क्या कर ट्रांसफर करने का एक जरिया है, वर्क क्या है, वो थर्मल एनर्जी की ट्रांसफॉर्म होने वाली रिजल्ट की एक फॉर्म है, जिसमें वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। ये आज का आपका लेक्चर था, होपफुल कि आपको समझ में आया होगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अप्रिशिएट कीजिए चैनल को, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।